मैं रिया करने वाली हूँ ऑन थेरी इंट्रोडक्शन सीन फ्रॉम द मूवी थेरी ऑफ थलपति विजय। बहुत दिनों से कमेंट सेक्शन में आ रहा था थेरी कब करोगे, तो मैं वेट कर रही थी सरई नोडू को एंड होने का एंड उसके बाद थेरी चालू करने वाली थी। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मोना मोनाली नायको, वेलकम टू माई चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स गो बेबी, स्कूल का टाइम हो गया है बेबी। 2 मिनट्स मम्मा। बेबी, इस खटारे को बेच क्यों नहीं देते? शे, आपकी तरह यूजलेस हो गई है। ओह नो। किसका वेट कर रहे हो? देखा भाई साहब, जबरदस्ती नहलाया तो बुरा लगा ना। ठंड लग रही होगी ना। चलो मम्मा को सॉरी बोलो। सॉरी भाई, सॉरी माँ। मुझे लगा फाइट सीन। ओह माय गॉड, आई थॉट फाइट सीन हो रहा है। ची, हट्टू। ये लो अपना बैग, ज्ञान के सागर में अच्छी तरह डुबकी लगाना। ओके। बाय मेरी माँ। बाय। गुड मॉर्निंग मैम। ये तो सूख गई। ये क्या, तुम आज फिर लेट आए? मिस मिस, एज यूजुअल सम बाइक प्रॉब्लम। ठीक करने में पूरे 20 मिनट लगे कि जूम करके एक इडियट आया और उसने चपा कर मेरे मुंह पर पानी मारा और बेबी ने उसे व्रूम व्रूम करके। वैसे सच तो बता रही है। ऐसा कहानी मैं भी अपने टीचर को सुनाया है। तुम बड़ा होके क्या स्टोरी राइटर बनेगा क्या? हाँ, वैसे कौन है वो? कौन टीचर? ओ, वो मेरा ब्रदर है। रियल ब्रदर? फुल्ली रियल। अच्छा, ये बताओ वो हमेशा इतना सीरियस काय को रहता है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? लव फेलियर। रीसेंट लव? नहीं, लास्ट ईयर की बात है। दैट्स सैड। वैसे चाहे तो आप ट्राई कर सकते। अंदर चलो। ये इसमें लाइट तो नहीं मार।
बेकरी में काम कर रहा है। गुड मॉर्निंग बेबी, कोई और काम धंधा नहीं है जो टाइम के पहले बेकरी में आ जाता है? आज फिर से लेट हो गए। बोनी के टाइम पे इतनी लेट आओगे तो सब कस्टमर्स को मैं कैसे संभालूंगा? किधर है कस्टमर? कस्टमर वो तो धूप हो या छाव में हमेशा बेचता रहता हूँ पाव, इसलिए सबको संभाल लिया। खैर वो सब छोड़ो, वो स्कूल में बन पाव भेज दिया? भेज दिया बेबी। और शादी में नरम पाव? वो भी भेज दिया। अब अपने पाव से चलकर काउंटर पे जाओ और धंधे पे ध्यान दो। चलो है रास्कल, हमारा चूहा हमी से चैम। से पैसे नहीं लेते? आप गुरु हैं, दक्षिणा नहीं चाहिए। फिर से लेट 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 लेट। आज भी लेट। इसे बेच के ना साइकिल ले लो। अब मैंने क्या किया? पता है आपकी वजह से डेली मेरे पहले दो पीरियड मिस हो जाते हैं। ऐसे तो नर्सरी में फेल होने का हैट्रिक कर लूंगी। वॉकिंग आने वाले स्टूडेंट्स भी टाइम पर पहुंच जाते हैं। आपकी वजह से टीचर अब मुझे लायर भी समझने लगी है। दुर्घटना से देर भली ना मम्मा। ये बात जाकर टीचर से बोलिए। मुझे बचपन से टीचर से बहुत डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं है बेबी, हार्ट बीट बढ़ने लगे तो कहना ऑल इज वेल। ही इज माय फ्रेंड। एक्सक्यूज मी मैम, आज फिर लेट? आज आँख ही नहीं खुली। तुम रोज नया बहाना बनाता है। स्टैंड आउटसाइड। गुड मॉर्निंग टीचर। गेट इन। लाइन क्लियर हो रही है। सॉरी देर हो गई आज। इतना केयरलेस कैसे हो सकता है तुम? शेव करोगे और भी स्मार्ट लगोगे। डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो इसे कैसे सिखाओगे? आई प्रॉमिस, फिर वो लेट नहीं होगी। कोई मेड नहीं है क्या? मैं यहाँ नया हूँ, किसी को जानता नहीं। ओह, मैं चलूँ? फोर फोर जा 17 होता है क्या? ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो। इसका मतलब 17 नहीं होता है? 16। कल तुम्हारी स्कूल में एक टीचर से मिला। कौन सी वाली? ठीक से याद नहीं। राउंड पेस्ट्री जैसी आईज, क्रीम जैसा कलर, पाँव जैसे गाल। तुमने तो ठीक से नहीं देखा था ना? एनी टीचर। देखो निभी, तुम अपना होमवर्क ना ठीक से किया करो, अपनी टीचर को नाराज मत करना। Why baby? मुझे एंग्री बर्ड जैसी लगती है। लाइफ में फर्स्ट टाइम कुछ करेक्ट बोला। तो होमवर्क कर दूं? लास्ट टाइम आपने मेरा होमवर्क किया और एंग्री बर्ड मुझ पर बहुत एंग्री हुई। आपको एक बिग लायन ड्रॉ करने बोला, आपने एक बिग डॉगी ड्रॉ कर दिया। देवा क्यूट है ना ये लोग। आज बेकरी में पार्टी ऑर्डर आया था, उसी चक्कर में लेट हो गया। सॉरी। इट्स ओके। अरे बाप रे, क्या हुआ मम्मा, ये चोट कैसे लगी? वो कुमार नाम का मोटू है ना, उसने मुझे मारा। किसलिए? उसने मुझे बेकरी कहा। मैंने कहा मैं बेकरी नहीं नीवी हूँ। उसने मुझे जमा के दिया। तुमने जवाबी हमला नहीं किया? पर क्यों? आप ही ने तो सिखाया है सबसे प्यार करना चाहिए, फाइटिंग बुरी बात होती है। कहा तो था मेरी बच्ची, पर ये थोड़ी कहा था कि अगर अपनी गलती ना हो तो भी किसी से मार खा लो। जुल्म सहना भी तो गलत है ना? उसने मेरे साथ रॉन्ग किया बेबी। बाद में सॉरी बोला था? उल्टा उसने मुझे दांत दिखाए। ये तो हद हो गई, उसके वही दांत तोड़ देने चाहिए ना। अच्छा मान लो रस्ते पर एक भैंस खड़ी हुई है। वो मोटी थी कि पतली, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर उसे तुम ए भैंस चल कहोगी तो क्या वो हटेगी? नहीं हटेगी। नहीं हटेगी ना, जब उसके पीठ पर दो डंडे मारोगी तभी वो वहाँ से हटेगी। अब इसे हम वायलेंस तो नहीं कह सकते हैं ना, उसी की भाषा में बात करोगी तभी तो वो समझेगी। अब मैं समझ गई। अभी तुझे ठीक करती हूँ। मम्मा क्या किया तुमने? उसे उसी की लैंग्वेज में समझाया। कल टीचर से बात कर लेना, ठीक है? अब भागो। मम्मा, मोटू की पिटाई करने के लिए एंग्री बर्ड को अगर पनिश करना होता तो वो हमें स्कूल में बुलाती, ये चर्च में बुलाने का क्या लॉजिक है? अगर पनिश करना होता तो हमें स्कूल ही बुलाती, शायद उन्हें फॉरगिव करना हो या शाबाशी देनी हो।
बिल्कुल सही कहा मामा। आप एक नंबर के डम्बो हो, मेरी हर बात मान लेते हो। आ गई। आ रही नहीं, आ गई। चलो चलो खड़ी हो जाओ। हमको देख के स्टूडेंट की तरह खड़ा क्यों हो गया? प्लीज बी सीटेड। नहीं नहीं, यू कीप स्टैंडिंग। नीवी को तुम मारपीट का आइडिया देता है हा? शकल से शांत लगता है, फिर बच्चों को वायलेंस करना क्यों सिखाता है हा? नहीं ऐसा कुछ नहीं। बाइबल से कुछ नहीं सीखा क्या? बाइबल में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। आपको क्या सुनना है? लव योर एनिमीज। पढ़ा नहीं? वो मैं इसे बस सेल्फ डिफेंस सिखा रहा था ताकि कभी उसे। ए अंधा है क्या? धक्का मार रहा है। टीचर को सॉरी बोलो। ऐसे नहीं बोलते। नहीं तो सबको मैं पीट दूंगी। गुस्सा देखा बच्ची का? ए बाप रे, किसको बोला बच्ची? अब चुप हो जा नहीं तो। अच्छा इसने रोका। आई लिटरली शॉट था लव। बच्चा पे गुंडागर्दी करता है, शर्म नहीं आता? गेट लॉस्ट। ए राजन, चल शकील भाई ने अर्जेंट बुलाया। ए चल बेबी, छोड़ो मुझे, अभी उसे ठीक करती हूं। छोड़ना नहीं बेबी। वो समिया कौन है रे? क्या लोचे तेरे से मतलब? चल ठीक है, गाड़ी में बैठ, चल जल्दी। बेबी छोड़ो मुझे, छोड़ो तुझे मैं बाद में बताऊंगा। बापरे, इतना गुस्सा है। बेबी बाइबल पर प्रवचन दे रही थी और खुद ही वायलेंस पर उतर रही। छोटा है बड़ा ने सबको सबक सिखाता है, टीचर है ना? आपने ठीक किया टीचर। बेबी उठो। पाँच मिनट मम्मा। पाँच मैंने ठीक क्यों? पूरा एक घंटा सो। मैं स्कूल जा रही हूँ। खुद बाइक चलाओगी क्या? एनी टीचर आई है, मैं उन्हीं के साथ निकल रही हूँ। बाय बाय टाइगर। मम्मा मम्मा रुको, मम्मा रुको, मैं आ रहा हूँ। लव यू। मम्मा को बोला बाय बाय। इनके बीच में कुछ तो हो रहा है। मैं टाइम पर पहुंचूंगी। निवी के फादर आप ही है ना? भाई बोला था ना उसने, पहले सीजन में उसे बोला भाई है। अचानक कार ने हमको टक्कर मारा। किसने बोला था तुम्हें उसे अपने साथ ले जाने के लिए? हमारी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा बात नहीं है। ये बताओ निवी कहाँ है? मैं तुम्हें स्कूल छोड़ता तो ये सब कभी नहीं होता। सॉरी बेबी, मुझे लगा कि एटलीस्ट एक दिन मैं टाइम पर स्कूल पहुंचूंगी। सब मेरी वजह से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेबी, मेरी टीचर ने मुझे बचा लिया। उनके हाथ पर बहुत बड़ी चोट लगी है। तुम आराम करो, टीचर को थैंक्स बोल के आ। टीचर होगी भी या नहीं? आज है, अभी तक है। सॉरी, तुमने डॉक्टर को तो दिखाया ना? आप निवी के फादर हैं, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन किस लिए? FIR पे साइन करने। कंप्लेंट किसने की? निवी की टीचर ने। वो गुंडा याद है जो चर्च पे मिला था? उनका ही गाड़ी था, इसीलिए कंप्लेंट करना मांगता। हर बात में अपना दिमाग लगाना जरूरी है क्या? अगर कंप्लेंट करनी भी थी तो सिर्फ अपने नाम से करती। मेरी बच्ची का नाम बीच में क्यों डाला? वो भी मेरे साथ गाड़ी पे था इसीलिए। किसी ने जानबूझकर भी ये किया होता तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर प्लीज, मैं ये केस वापस लेना चाहता हूँ। केस वापस लेने के लिए भी आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। मैंने तो इन्हें पहले भी समझाया था कि ऐसे गुंडों से मत उलझिए। उसको अरेस्ट कर लिया है, उनमें से एक सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार। ठीक है ठीक है, हम लोग बाद में बात करेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग सर। केस क्या है? शकील के खिलाफ केस किया था, अब विड्रॉ करना चाहते हैं। नाम क्या है? पूछ रहा हूं तुम्हारा नाम क्या है? जोसेफ कार्डोस। जोसेफ, तुम्हारी शक्ल किसी से बहुत मिलती है। झारखंड में तुमने मेरे साथ IPS ट्रेनिंग की थी? अरे नहीं सर, मैं तो एक मामूली सा पाव वाला हूँ। मेरा नाम जोसेफ कार्डोस है, बचपन से यहीं पर हूँ। गाँव से बाहर तो मैं कभी गया ही नहीं, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत पुराना फैमिली बिजनेस है, हमारी सात पुश्तें उसी बिजनेस को करती आई हैं। पाव बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। अब साहब ये छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, बिना सोचे समझे इन्होंने शकील भाई के खिलाफ कंप्लेन कर दी। साहब मेरा एक ही फंडा है कि जियो और जीने दो। अब बस मैं ये केस वापस लेना चाहता हूँ और बात को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो साइन कर दूँ सर? मैं यहाँ नया हूँ, किसी को जानता नहीं। झूठ। ओके सर। विजय कुमार,
नहीं तुम्हें नहीं बुलाया। विजय कुमार जरा वो फाइल देना। इस टीचर ने झूठ पकड़ लिया है। प्रोबेबली टीचर ने पकड़ लिया बिकॉज उसने क्या बोला था कि मैं शहर में नया हूँ, मैं किसी को भी नहीं जानता। ओके एंड आज वो बोल रहे सात पुश्ते से वो बेकरी का काम कर रहे, पाव बनाने का अलावा कुछ नहीं आ रहा। आईपीएस की ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग कतर। पर पहले एक सीन हुआ था जहां पे इसने बोला कि वो मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, लव फेलियर वाला ब्रदर ही बोला था ना। एंड देन पता चला नहीं है उसकी बेटी है, तो बीवी वेयर इज वाइफ, लव फेलियर ओके छोड़ के गई है ओके। बट इन दोनों का जो बॉन्ड है बेटी और पापा का, इतना क्यूट है, इतना क्यूट है, इतना क्यूट है कि क्या कहना। बेटी में फुल गुस्सेल है माँ कसम, उसने जिस तरीके से उन गुंडों को ये किया ना। बट क्या वो गुंडे मतलब अभी केस वापस विड्रॉ किया तो छोड़ देंगे क्या इसका टॉपिक, क्या लगता है आपको? मतलब लिटरली मेरे को नहीं लगता है। एंड ये थलपति विजय का कुछ तो सीक्रेट है, कुछ तो ऐसा बड़ा सीक्रेट, बिकॉज वो पुलिस स्टेशन जाने से भी डर रहा था कि नहीं क्यों किया केस, क्यों किया केस, क्यों किया केस। यू नो वो बेकरी वाला जब काम कर रहा था, मुझे कौन सा याद आया, दैट वॉज इन बेकरी, दैट वॉज कैफे, बट फिर भी मुझे लियो याद आया ऑल ऑफ सडन। आपको ऐसे लगा क्या? आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बता देना मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट सीन देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नेक्स्ट सीन करके लिखना। बाकी परत निहाले था।